मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम इस जगह पे पहुँच गए कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। देखिए, सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई है। हालात ये हैं कि अदालतों की भी बातें, उनके अहकाम ना पुलिस सुनती है ना ये रियासत सुनती है। इलेक्शन में ताखिर हुई तो जेल भरो तहरीक का आगाज हो जाएगा, इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहा एक रास्ता ये है कि हड़ताल करें, पहिया जाम करें, पथराव करें। मुल्क में माशी बहरान है इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। दो हुकूमतों की कुर्बानी दी है, 20 से 25 दिन हो गए, हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। अगर 90 दिन से आगे गए तो आइन में वाजे है कि आर्टिकल 6 लगेगा। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पाक से होना चाहिए। मरियम नवाज कहती है हमारे साथ जो कुछ हुआ इंतकाम था, इनका मुश्किल वक्त अभी नहीं आया। दो दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लगकर रोने लगे हैं, अभी तो इंसाफ होना है। हम इंतजार में हैं, नजरें बिछा कर बैठे हैं, इनको पता चलेगा जेल क्या होती है, डेथ सेल और कुर्बानी क्या होती है। करप्शन केसेस में मरियम नवाज को शाहाना अंदाज में जेल में रखा गया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान कहते हैं मुल्क बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, आइन बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है लेकिन हमारे लोगों को उठाया गया। एक ट्वीट पर वहीमाना तशद्दुद हुआ, हमारे बहुत से लोग तशद्दुद से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई। आइन बनाने वालों ने ये बात जहन में रखी थी, आइन में शेक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्रर मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजंस होनी चाहिए, ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने इलेक्शन में ताखीर का जवाब ढूंढ लिया, कहते कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुआ। आइन बनाने वालों ने 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन को आइनी करार दिया है। अली जैदी बोले इन्हें पता है कि इलेक्शन कराए तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। एपीसी में ऐसा क्या होगा जो कौमी असेंबली में नहीं हो सकता। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी, एपीसी की तारीख तब्दील कर दी गई। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। हुकूमत की जबानी दावत पर तहरीक इंसाफ ने सख्त मौकफ अपना लिया। असद कैसर कहते हैं हुकूमत को पहले रवैयों में सुधार लाना होगा, टेलीफोन पर दावतनामे को नहीं मानते। अयाज सादिक बोले सबको दावत जबानी दी, किसी को लिखकर दावतनामा नहीं भिजवाया। रशीद का राहदारी रिमांड नहीं मिलेगा, थाना मोज को कराची की इस्तदा मुस्तरद। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया, शेख रशीद के खिलाफ एक के बाद दूसरा मुकदमा। सरगोधा में दरखास्त जमा, ट्वीट में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पाकिस्तान के कूफा में दरबान हुसैन हो, यजीदी ताकतों के खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूँ। तुर्किया शाम में जलजले की तबाहकारियां, तुर्किया में जांबहक अफराद की तादाद 1500 हो गई, 6000 से ज्यादा जख्मी, 4000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शाम में 783 अफराद चल बसे, सैकड़ों जख्मी। दोनों ममालिक में हजारों इमारतें मुनहदिम, बारिश के बाईस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल। जलजले का मरकज तुर्की और शाम की सरहद से 60 मील दूर था, गहराई 18 किलोमीटर थी। अमरीकी जलजला पैमा मरकज के मुताबिक तकरीबन एक मिनट जारी रहने वाले झटके लबनान, कब्रस, इसराइल, यूनान और मिस्र तक महसूस किए गए। तुर्की और शाम समेत मुख्तलिफ ममालिक में शदीद जलजला, पाकिस्तान का इजहार अफसोस। सदर वजीर आजम की दिली ताजियत, आरिफ अलवी ने जांबहक अफराद के खानदानों से इजहार ताजियत किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर रजब तैयब उर्दवान को टेलीफोन, जलजले पर इजहार अफसोस। गमजदा खानदानों से ताजियत, कहा कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। इमरान खान का दुख का इजहार, कहा मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। सिंध काबीना ने 1 लाख खेमों की मंजूरी दे दी। पेस मुशर्रफ की मैयत की वापसी में ताखीर, साबिक सदर के जस्ते खाकी को कराची लाया जाएगा। नमाज जनाजा मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। तदफीन पुराने फौजी कब्रिस्तान में होगी। कब्रिस्तान के इतराफ और मलीर कैंट में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। परवेज मुशर्रफ के लिए दुआए मगफिरत के मामले पर गर्मा गर्मी, अपोजिशन लीडर वसीम शहजाद की दरखास्त पर हुकूमती और जमात इस्लामी के सैनेटर्स का फातिहा खानी से इनकार। वसीम शहजाद ने खुद ही फातिहा पढ़ ली। हुकूमती अरकान का एहतजाज, स्पीकर के डाइस का घेराव।
इमरान खान पर कातिलाना हमले के मरकजी मुलजिम नबीद को कत्ल किए जाने का खदशा। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा का इंकशाफ। बोल न्यूज से गुफ्तगू में नबीद समेत चार मुलजमान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। केस की समाअत 20 फरवरी को होगी। शहबाज सरकार की आवाम की सेहत पर भी सियासत। पंजाब में सेहत कार्ड पर इलाज का मंसूबा रोक दिया। 400 अरब के पंजाब सेहत कार्ड मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। पंजाब सेहत कार्ड बंद करने का इकदाम काबिल अफसोस है। इमरान खान की शदीद मजम्मत। कहा मंसूबे का खात्मा दोनों जमातों की सफाक जहनियत की अक्कासी करता है। जानलेवा महंगाई में सेहत कार्ड बड़ी नेमत था। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरखास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने इजाफी रकम सारिफिन को वापस करने और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का हुक्म जारी किया। प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बबाले जान। दो पावर प्लांट्स की फौरी निष्कारी का मुतालबा कर दिया। आलमी मिशन ने कहा हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की निष्कारी जून तक मुकम्मल की जाए। कमीशन फौरी निष्कारी का प्लान पेश करे। स्टील मिल्स की भी फौरी निष्कारी करने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल महंगा होकर भी नायाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किल्लत। तेल कंपनीज ने सप्लाई महदूद कर दी। फैसलाबाद फोर्ट अब्बास सरगोदा कमालिया मियांवाली और नारोवाल में शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। एलपीजी के रेट आसमान से बातें करने लगे। सिलेंडर की कीमत में 1300 रुपए का इजाफा। लकड़ियां भी 1300 रुपए मन हो गई। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन। अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशा गरी। वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानहे पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।